दोस्तों आपने इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी और तमाम सारी चीजों की फोटो तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यूएस डॉलर पर किसकी फोटो होती है? दोस्तों हमारे यहाँ इंडियन करेंसी पर सिर्फ एक ही इंसान की फोटो है और वो है महात्मा गांधी, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के हर एक नोट पर अलग अलग लीडर की फोटो है। तो दोस्तों सबसे पहले बात एक डॉलर के नोट की करते हैं, तो दोस्तों इस नोट पर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर छपी है। वो 1789 से 1797 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और ये अमेरिका का सबसे पुराना डिजाइन है, जिसे 1928 में तैयार किया गया था और इसके पीछे अमेरिका की ग्रेट सील का चिन्ह है। साथ ही इस पर संदेश लिखा गया है कि इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी कि हमें भगवान पर विश्वास है। चलिए अब दो डॉलर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों दो डॉलर के नोट पर अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन की तस्वीर छपी है, जबकि इसके पीछे 1818 की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी की घोषणा की तस्वीर छपी है। दोस्तों 1862 में शुरू हुए इस नए नोट को 1966 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1976 में इसे नए डिजाइन के साथ फिर से शुरू कर दिया गया। चलिए पांचवें डॉलर की बात करते हैं। तो दोस्तों इस पर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की तस्वीर है, जबकि इसके पीछे लिंकन मेमोरियल की तस्वीर छपी है। इस नोट को अक्सर फिन भी कहा जाता है। 2007 में इसे फिर से डिजाइन किया गया था और 13 मार्च 2008 को नए रूप में लॉन्च कर दिया गया। चलिए अब 10 डॉलर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 10 डॉलर के नोट पर अमेरिका ट्रेजरी के पहले सचिव अलेक्जेंडर हैमिल्टन की तस्वीर है, जबकि पिछले हिस्से पर अमेरिका ट्रेजरी बिल्डिंग की तस्वीर है और 2006 में इसके डिजाइन में आखिर बार बदलाव किया गया और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर भी जोड़ी गई। चलिए 20 डॉलर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 20 डॉलर के नोट पर अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन की तस्वीर है और ये नोट 1928 से चला आ रहा है और इस नोट के पिछले हिस्से पर व्हाइट हाउस की तस्वीर है और आखिर बार 2003 में इसके डिजाइन में बदलाव किया गया था। चलिए 50 डॉलर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 50 डॉलर के नोट पर 18th अमेरिकी राष्ट्रपति यूलिसिस एस ग्रांट की तस्वीर है, जबकि इसके पिछले हिस्से पर अमेरिकी संसद यूएस कैपिटल है। चलिए अब 100 डॉलर, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा करेंसी है और आप ज्यादातर इंटरनेट पर जिसकी तस्वीर देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पहली बार 100 डॉलर 1862 में लॉन्च किया गया, जबकि फेडरल रिजर्व नोट 1914 में आया। इस पर अमेरिका के संस्थापक बेंजामिन फ्रैंकलिन की तस्वीर है, जबकि पिछले हिस्से पर इंडिपेंडेंस हॉल की तस्वीर है। दोस्तों अमेरिका के नोट पर अलग अलग लीडर की फोटो ये दर्शाती है कि बहुत सारे लोगों ने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, जबकि भारत के हर एक नोट पर महात्मा गांधी की ही तस्वीर है। दोस्तों हैरानी तो तब होती है जब लोगों से पूछा जाता है कि भारत को आज़ाद किसने किया, तो लोग सिर्फ महात्मा गांधी का ही नाम लेते हैं। उस तरफ बैठे हुए लोगों से कभी सुनने को मिला नहीं है कि इस देश में कोई चाफेकर बंधु भी हुआ करते थे जिनकी शहादत थी आजादी में। इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है कभी सावरकर जी भी थे जो काला पानी की सजा भुगत रहे थे तब देश आजाद हुआ है। उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिल रहा है कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भी थे कि जिन्होंने देश के लिए बड़ी चढ़ाई की। उनको तो लगता है कि आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है, समस्या की जड़ वहां है। तो दोस्तों आखिर में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि नेहरू को सत्ता चाहिए थी, गांधी को सम्मान, जिन्हें अखंड भारत चाहिए था वो देश के लिए हो गए कुर्बान। फिर आप ही बताइए कि गांधी कैसे महान।